ओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप महालक्ष्मी के यंत्र का निर्माण कर सकते हैं अपने व्यापार को वृद्धि में लाने के लिए, अपने व्यापार को चार चांद लगाने के लिए, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से आप स्वयं अपने ही हाथों इस यंत्र को तैयार करेंगे, और ऐसा कौन सा वह विशेष मंत्र है जिससे यह जागृत होगा और आपके लिए कार्य करेगा। यह माघ का महीना चल रहा है और माघ के महीने में ऐसे बहुत से शुभ काम किए जाते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे विशेष विशेष यंत्रों के बारे में जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहूं, तो वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताएं कि और भी इस तरह के जो यंत्र हैं, व्यापार तो है, कुछ बीमारी से लेकर है और कुछ अन्य क्रियाओं से लेकर है, अगर उसकी भी जानकारी मैं आपको दूं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहूंगा। जो हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी काली गुंजा और शुक्र दंत के बारे में जानकारी दी थी, उसमें हमने एक आपके लिए प्रतियोगिता रखी थी। उसमें हमने यह पूछा था कि timeshopee.com पर सबसे कम दाम की जो चीज है, जो वस्तु है, वह क्या है। उसके लिए हमने एक इनाम भी आपके लिए रखा था, जो था जर्कन का लैब सर्टिफाइड नग। उसकी आखिरी डेट है 31 जनवरी, यानी 31 जनवरी तक आप उसमें अपना जवाब जो है हमें हमारे तक पहुंचा सकते हैं। वह वीडियो की जानकारी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और ऊपर आई बटन पे भी आपको यह वीडियो दिखाई दे रही होगी। यहां पर भी जाकर आप उस वीडियो को देखकर 31 जनवरी तक अपना जवाब हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि विजेता को यह नग पहुंचाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस वीडियो को। महालक्ष्मी के यंत्र का निर्माण आपने किस प्रकार करना है, किस वस्तु से करना है, और जो आप यह सामग्री मेरे आगे देख रहे हैं यह क्या क्या है। तो मित्रों, इस यंत्र का निर्माण किसी भी शुभ योग में किया जाता है। जब भी आप इस यंत्र का निर्माण करेंगे, कोई भी शुभ योग, आप नजदीकी पंडित जी से भी निकलवा सकते हैं या फिर हमारे द्वारा भी पूछ सकते हैं, और रवि पुष्य योग में अगर इसको करेंगे तो अति उत्तम कहलाएगा, या फिर वीरवार के दिन भी आप इसका निर्माण कर सकते हैं। इसका निर्माण आप भोजपत्र पर करेंगे अष्टगंध की सहायता से, अनार की कलम द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। और जो बाद में इसको जागृत करने के लिए मंत्र जाप है, उसमें आप संस्कारित कमल गट्टे की माला का इस्तेमाल करेंगे गौमुखी के साथ। यह दोनों ही आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप हमारे द्वारा भी यह प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार से आप इसका निर्माण करेंगे। इसका निर्माण करने के लिए आपकी जो दिशा रहेगी वह रहेगी उत्तर। उत्तर की ओर आपने अपना मुख करके विराजमान होना है। पीले रंग का आसन ले सकते हैं या फिर लाल रंग का आसन ले सकते हैं, और उसी योग में जिस योग में मैंने आपको बताया, या फिर उसके अन्य किसी शुभ योग में। उसके उपरांत अष्टगंध को आपने इस प्रकार गंगा जल में घोल लेना है, जिस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है, और अनार की कलम द्वारा ही आपने इसका निर्माण जो है वो करना है। यह बहुत ही आराम से किया जाता है, क्योंकि जो कलम होती है वह बहुत तेज होती है आगे से, और जो भोजपत्र होता है वह कभी कभी बहुत नाजुक होता है। तो इस प्रकार से आपने इस यंत्र का जो है निर्माण करना है। इसीलिए मैंने आपको एक जो यंत्र है वो बना के दिखाया हुआ है। अगर आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो कलम के द्वारा अक्षर लिखे जाते हैं वो कभी मोटे होते हैं और कभी पतले होते हैं, तो आपको उस वे में समझ नहीं आ पाएगा, इसीलिए मैंने आपको यह बना के दिखाया हुआ है। और इसी में इसी तरह का आपने फ्रेम जड़वा के इसको अपनी दुकान पर स्थापित करना है, और रोजाना जिस प्रकार से आप दुकान पर धूप दीप नैवेद्य चढ़ाते हैं, उसी प्रकार से आपने इसकी भी धूप दीप दिखा के पूजा करनी है। और अगर कोई भी व्यक्ति है उसको यह अक्षर नहीं समझ आ रहे कि यह अक्षर क्या है, क्योंकि यह शुद्ध हिंदी में लिखे हुए हैं, कुछ व्यक्तियों को यह नहीं भी समझ आते, तो उसके लिए बता दूं, मैं इसको यहाँ पे अंग्रेजी में आपके लिए बना के दिखा रहा हूँ, हिंदी में ये बना हुआ है। तो जो हमारा पहला अंक है वह है 16, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं उसमें वह 16 लिखा हुआ है। दूसरा अंक हमारा है 9, ये मैं आपको अंग्रेजी में यहां बना के दिखा रहा हूं। तीसरा जो अंक है वह है 4,
चौथा जो अंक है वह है 5। इस प्रकार से आपने इस यंत्र का निर्माण कर लेना है। यंत्र का निर्माण करने के बाद आपने खुद देखना है कि आपके लिए मंत्र जाप का समय उतना हो, ऐसा ना हो कि योग थोड़े टाइम का हो और आप उसमें मंत्र जाप ना कर पाए। यंत्र का निर्माण करके 11 माला आपने संस्कारित कमलगट्टे की माला से इस मंत्र का जाप करना है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। यह जो यंत्र के नंबर हैं यह मैं आपको भी बताऊंगा सारे ही, तो आप उसमें एक अपने साथ में कॉपी लेके उसमें नोट कर सकते हैं ताकि आपको बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए। इस प्रकार से आप अष्टगन से अगर यह यंत्र बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह आपको क्लियर दर्शाया हुआ है ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ सके। यह है 16, यह है 9, यह है 4, यह है 5, यह है 3, यह है 6, यह है 15, यह है 10, यह है 13, यह है 12, यह है 1, यह है 8, यह है 2, यह है 7, यह है 14, यह है 11। इस प्रकार से यह महालक्ष्मी का यंत्र है। और यंत्र बनाने के बाद आप यंत्र को धूप दीप दिखाएंगे, उसके पश्चात फूल से इस यंत्र को सुशोभित करेंगे, उसके बाद कमलगट्टे की माला से, जिस प्रकार से ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह संस्कारित की हुई है हमने, यह हमारी माला है कमलगट्टे की, इस माला से गौमुखी में डालकर आप ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करेंगे 11 माला। 11 माला जाप करने के बाद माता महालक्ष्मी से यह प्रार्थना करेंगे कि आपने इस यंत्र का निर्माण अपने व्यापार की वृद्धि के लिए किया है, उसमें आपका सहयोग करें, उसमें आपको वह अपना आशीर्वाद प्रदान कराएं। और उसके पश्चात उत्तर दिशा में ही आपने अपनी दुकान पे, अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में, जहां पर भी आप इसको लगाना चाहें, उत्तर दिशा में आप इसको लगा सकते हैं, या आपका मंदिर अगर उत्तर दिशा में है तो अपने मंदिर में भी इसको स्थापित कर सकते हैं। दोनों ही कार्य में आप इसको ला सकते हैं। और जैसे धूप दीप आप मंदिर में दिखाते हैं, वही धूप दीप आपने रोजाना इस यंत्र को भी दिखानी है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि आपके कार्य में वृद्धि प्रदान करवाएं। आप देखेंगे मित्रों कि इसका जो इफेक्ट कह लेते हैं या इसकी जो पॉजिटिव एनर्जी कह लेते हैं, वह इतनी प्रभावशाली है कि कुछ ही दिनों में आपके कार्य में जो रुकावटें आ रही थी, जो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो चुकी थी, जो कि आपके पास पैसा नहीं आ रहा था या किसी वजह से आना रुक जाता था, तो वह सब परेशानियां आपकी दूर हो चुकी हैं। और अगर बात करें इस यंत्र को, अगर आप नहीं बना सकते, आप इतना कार्य अगर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो घर पे ये सब नहीं कर सकते, तो वह बना बनाया यंत्र भी हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और अगर यंत्र बनाने का सामग्री आप हमसे लेना चाहते हैं, जैसे अनार की कलम, अष्टगंध, कमलगट्टे की माला और गौमुखी और भोजपत्र, तो वह भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात मित्रों, इस यंत्र में कुछ ऐसा तांत्रिक कार्य नहीं है कि आपकी दुकान पर अगर लगा होगा तो कोई व्यक्ति देखेगा तो वो क्या कहेगा कि यंत्र लगा हुआ है, ऐसा कुछ आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यह माता मां लक्ष्मी का यंत्र है, कोई ऐसा तांत्रिक क्रिया का यंत्र नहीं है। और जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति कमेंट में अगर नंबर देता है आपको कि यह गुरुजी का नंबर है, इनसे संपर्क कर लीजिए, इनसे प्राप्त कर लीजिए या कुछ भी, उसके जिम्मेवार मित्रों हम नहीं हैं। जो नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, वही हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, उसी पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस यंत्र को भी प्राप्त कर सकते हैं। और हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि ऐसे और भी यंत्र हम आपके लिए लेके आए या नहीं, उसका जवाब हम आपसे चाहते हैं। और जो प्रतियोगिता है वह आगे भी बढ़ाई जाएगी, उस प्रतियोगिता को 31 जनवरी को जो भी आपके सवालों के जवाब आएंगे हमारे तक, उसमें से जिसका भी सही जवाब होगा उसको वह जरकन का नग दिया जाएगा, और आगे भी ऐसी प्रतियोगिता रखी जाएंगी। इसके लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और लाइक करें हमारी वीडियो को, ताकि भविष्य में भी आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही मित्रों, हम फिर आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाजत चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।